जितना लोग समाज सेवा के नाम पे खड़ा है महाराज, सबका सब ढोंगिया निकाल लेते हैं, बढ़िया से सुनाई पड़ेगा, सबका सब ढोंगी। और जितना लोग डोनेशन मांगता है सिर्फ अपना घर बनवाता है उस डोनेशन से। और बक्सर में लगा कैंप इस बात का सबूत है कि यहाँ पे एक भी समाज सेवी नजर नहीं आ रहा है। गुजरात की एक संस्था आती है आपके जिले में फ्री में आँख का इलाज करने के लिए, और कोई नेता, कोई विधायक, किसी का कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी का साथ देने के लिए नहीं आया है। ये जितने बूढ़े लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, एक बार सुनू उपाध्याय जी कवर कीजिए, इसमें से किसी को कुछ नहीं पता होगा कि यहाँ पे आके क्या करना है, कैसे करना है। सभी लोग आते हैं और बस भटकते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और संस्था कितना कर सकती है ये आपको भी पता है। और जो इधर बोर्ड लगा है माननीय विधायक जी का और सांसद जी का और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बोर्ड लगा है, उपाध्याय जी कवर कीजिए, बहुत चारों तरफ पूरा सड़क छा दिया गया है बोर्ड से। और लोगों को लगता है कि ये फ्री में इलाज आपके सांसद अश्विनी चौबे जी करवा रहे हैं, तो सर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यहाँ पे चौबे जी आप लोगों का फ्री में इलाज नहीं करवा रहे हैं, बल्कि गुजरात की वो संस्था है जो फ्री में आप सबका इलाज करवा रही है। और फोटो में जो अश्विनी चौबे जी का सिर्फ इतना योगदान है कि वो आए हैं और उन्होंने बस इस कैंप को यहाँ पे लगवाया है, और कोई योगदान नहीं है। और अगर आपको लगता है कि एक सांसद इतना करवा दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, तो सर ये सर सुनिए, आपकी जिम्मेवारी है ये करना, और हमारे जैसे पत्रकार का काम है आपसे सवाल पूछना। अब मुद्दे पे आते हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे आँख बनवाने के लिए तो आपको यहाँ पे उतरना है। लोगों को पता नहीं है क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। और हमारे साथ एक लड़के हैं, इनका नाम अरुण सिंह है, मझरिया के हैं, खुटहा पंचायत। ये लड़का पिछले 5 दिनों से यहाँ पे अपने पंचायत के लोगों को लेके आया है आँख का इलाज करवाने के लिए। बाकी आपके मुखिया जी किस तरह से चुनाव लड़ रहे होंगे और कितना पैसा दारू में बहवाए होंगे और बहाएंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पंचायत का चुनाव कितना दारू पे जाता है सर, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। और ये पिछले 5 दिनों से यहाँ पे जमे हुए हैं और पूरा प्रोसेस जानते हैं, तो पहले हम इनसे पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपको आके यहाँ पे क्या क्या करना है, और इसके बाद हम बढ़िया से जो नेता और विधायक जी लोग ढोंग करते हैं उन सब की भी बात करेंगे। पहले बताइए, जब आदमी सड़क पर उतरेगा क्या करेगा यहाँ पे, कुछ को कुछ पता तो है नहीं। सबसे पहले आने के बाद ये जो द्वार आप देख रहे हैं मुख्य द्वार, यहाँ से आपको अंदर जाकर एक नंबर काउंटर पर जाना है, और आने से पहले आपके पास ये जेरोक्स कॉपी लेकर आएंगे आप, आधार कार्ड की, ये नेसेसरी है, उसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो आइए आधार कार्ड की कॉपी लेकर सीधे एक नंबर पे चले जाइए, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जब आप आते हैं तो यहाँ जैसे हमने बताया कि मरीजों के लिए व्यवस्था है ऑपरेशन होने के बाद सोने की। एक बार सुनो उपाध्याय जी, जो इधर लोग बैठे हुए हैं सबको कवर कीजिए, ये लोग जो सोए हैं इस तरह से, ये व्यवस्था के मारे लोग, सबको दिखाइए एक बार। हम दिखा के ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपके ज़िले में अगर इस तरह का कैंप लगता है, फ्री की संस्था लगती है जो आपका इतना सहयोग करती है, लाखों करोड़ों रुपये आपके इलाज के लिए खर्च करवाती है, तो यहाँ के नेताओं की और यहाँ के जो संगठन है उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बेचारे इतने नाराज हो जाएंगे ना कि हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब जब आप आएंगे तो जैसा ये बता रहे थे कि आपके पास आधार कार्ड का 2 कॉपी चाहिए और एक नंबर काउंटर के पास जाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक नंबर काउंटर के पास जाके लाइन में लग जाना है। तो सीधे हम एक नंबर काउंटर पे चलते हैं और वहाँ से कट करके हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो आपको बिना पूछे एक नंबर काउंटर पे आना है, और एक नंबर काउंटर पे हम खड़े हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है, आपको पूछते हुए आना है। अब आगे का प्रोसेस बताइए। एक नंबर काउंटर पर आकर जैसे ही महिला और पुरुष की सेपरेट लाइन है, और यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके आँखों का ऑपरेशन होने वाला है या केवल ड्रॉप डालकर दवाई देकर खिलाकर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपकी आँखों का ऑपरेशन होना है तो बता दिया जाएगा उसी पर्ची पर जो आपका आधार कार्ड का जेरोक्स है, और उसके लिए आपको 2 नंबर के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आपकी आँखों का ऑपरेशन नहीं करना है तो वहाँ पर बता दिया जाएगा, आप घर जा सकते हैं दवाई लेकर। इसके अलावा जो ऑपरेशन होना है उनके लिए 2 नंबर की लाइन यहाँ से चालू हो जाएगी, और उसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है, 2 नंबर की लाइन पर आने के बाद आपको जो भी आपके लेफ्ट और राइट आँख की बीमारी, जिस तरीके से भी जहाँ से भी कमज़ोर है, उसके बारे में बताया जाएगा और निशान लगा दिया जाता है, इन आँखों में दिक्कत है, और उसके लिए पूरी जो डिटेल है आपको 2 नंबर से पर्ची मिल जाएगी।
और फिर 3 नंबर के लिए आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपका बीपी, ब्लड प्रेशर और जो शुगर है वो टेस्ट वगैरह होने के बाद इस बीच में सारी प्रक्रिया है। मैंने आपको कुछ करना नहीं है, लाइन में आके सबसे पहले 1 नंबर काउंटर पता करना है, 1 नंबर काउंटर पे खड़ा होना है और वो आगे का प्रोसेस खुद आपके साथ मतलब होता चला जाएगा। वो आपको 2 नंबर पे भेजेंगे, फिर आपको 3 नंबर पे भेजेंगे और आपको लाइन में लग के बस चुपचाप वो काम करना है। जैसे कि ये लोग लाइन में लगे हैं, उपाध्याय जी कवर कीजिए, ये 1 नंबर काउंटर पे लोग लगे हैं और चुपचाप जैसा इन लोगों के साथ होगा वो चुपचाप करते रहेंगे और हम बिल्कुल समय नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है जिस पर डॉक्टर साहब लगातार देख रहे हैं। सर ये बताइए, इतनी जल्दी कैसे देख ले रहे हैं? अरे मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 27 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मरीजों का मोतियाबिंद कैसा है, क्या है, कैसे ऑपरेशन करना है। हाँ, तो जो मोतियाबिंद है वो सीधा मुझे ऐसे टॉर्च लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसमें राइट आई में बनाना है, लेफ्ट में 1 महीना चलेगा, तो मैं पहले राइट आई के लिए एडवाइस करूंगा और वही रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी 3 बच्चे देखे हैं, जिसमें से एक बच्चा है जो 10 साल का है, उसका अभी ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है, उसका कल सुबह ऑपरेशन होंगे। अभी 10-12 बच्चे का हम लोगों ने ऑपरेशन भी कर दिया है। तो छोटे अभी तक से हैं। अभी तक से अनुमानतः कितने लोगों का आप लोगों ने देख लिया? एक केस अनुमान अबाउट मेरा डायग्नोसिस हुआ अभी 25,000 का हो चुका है और 20,000 ऑपरेशन हमने पार कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए आइए उपाध्याय जी, हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद 2 नंबर काउंटर पे आपको ये बताना चाह रहे हैं बस कि लगी भीड़ इस बात का सबूत है कि यहाँ पे लोग काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, नहीं तो सर आंखों का डर सबको होता है अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ होने वाली थी।